विष्णु अवतार रामलीला 24वें वर्ष में एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जो भगवान राम की लीलाओं का भव्य मंचन कर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम उठाकर मानवता का संदेश दे रही है। विष्णु अवतार रामलीला के भव्य मंच पर अतिथिगण आकर अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। हर रोज मुख्य अतिथिगणों का विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के अधिकारीगण भव्य स्वागत कर मानव धर्म निभा रहे हैं। रामलीला मंचन में 11वें दिन विभीषण रावण संवाद, विभीषण को लंका से लात मारकर रावण द्वारा बाहर निकालना और विभीषण का राम से मिलना व लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होना आदि लीलाओं का भव्य मंचन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रामलीला का मंचन हो रहा है। प्रभु मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। प्रभु कहिए लंकेश कुशल तो है? प्रभु घर में भी सब प्रसन्नता है। प्रभु क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है? मैंने बहुत प्रयास किया कि वह माता सीता को सम्मान सहित आप तक पहुंचाया जाए, परंतु वह घमंडी रावण, उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने भरी सभा में ये प्रस्ताव रखा सबके समक्ष कि वह माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम को सौंप दे। पर चलते हैं तो वो तो उससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम
हम सबके अंदर भगवान है कहीं ना कहीं, और हम सबको पता है धर्म क्या और क्या करना चाहिए, तो हमें उसको एक बार जरूर सुनना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। देखो 10 दिन की रामलीला है और 10 दिन की रामलीला में सभी के साथ संवाद है रावण का, तो विभीषण भी एक मेन पात्र उसमें है। आज जैसा कि आपने देखा ही है कि विभीषण को जो है अपने राज्य से उन्होंने जो है निकाल दिया, कारण यही था कि वो शत्रु की बढ़ाई कर रहा था और शत्रु दल में अब वो जाके मिलेंगे। और ये भी सच्चाई है कि अगर विभीषण उस दल में ना गए होते तो शायद रावण इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, क्योंकि उसका जो राज था वो श्री विभीषण को पता था और ना उनको पता लग पाता। ये तो सब देखो लीला जो है वो पहले से रचित थी, लिखी हुई थी, तो उस लीला को जो है ये घटित किया गया, हर पात्र जो है अपनी भूमिका उसमें निभा रहा। वो आज सही रामायण में बताया जाता है कि एक दोहा आता है कि घर का बेदी घर का पति जी, क्या अर्थ यही है कि जो राजदार होगा आपका वो सीधा सीधा है कि वो सबसे ज्यादा नुकसान वही कर सकता है, अन्यथा आपका कोई नहीं। अब ये लगा लो अभी विभीषण गए हैं तो अब अंगद आएगा, अंगद को भेजने वाला विभीषण होगा, विभीषण बताएगा उनको सारे राज जो धीरे धीरे करके मेघनाथ कैसे मारा जाएगा, कुंभकर्ण कैसे मारा जाएगा, यानी एक एक जो योद्धा लंका के थे उनको मारने का जो भी काम रामादल के थ्रू किया जाएगा वो जो है विभीषण के द्वारा ही होगा, विभीषण सबको बताएगा। क्या जागरूकता का संदेश देंगे इस दोहे के माध्यम से? मैं तो बस यही कहूंगा कि ठीक है अपने राजदार रखिए, लेकिन राजदार के साथ साथ जो भी राजदार बने उसको विश्वास बनाए रखना चाहिए। घर का बेदी देखो आपके जो आसपास का जो व्यक्ति होता है ना, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, वही आपका सबसे ज्यादा नुकसान करता है, अन्यथा तीसरे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि वो आपका कोई नुकसान करे, कुछ नहीं। तो आपके जो राज है वो आपको अपने अंदर रखने चाहिए, जितने आपके पास रहेंगे, तो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, अगर राज आपके पास रहेंगे तो दीवारों के कान नहीं सुन पाएंगे, नहीं तो दीवारों के कान कुछ नहीं होते, वो दोस्त जो भाई जो भी होते हैं वो सगे संबंधी वो इधर उधर बातें करते हैं और आपके जो सारे राज निकल जाते हैं, जो आपका शत्रु होता है वो उन सब चीजों का फायदा उठाता है। श्री विष्णु अवतार रामलीला करने की आज लगभग 24 साल से धर्म का प्रचार प्रसार श्री रामलीला के माध्यम से करती है, यहाँ छोटे से लेकर के बड़े तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इस रामलीला के मंचन के माध्यम से उस मंच पर बुलाया जाता है, सबको भगवान राम के चरणों में झुकने के लिए घूमने के लिए प्रेरित किया जाता है। राम सबकी आत्मा है, राम के प्रचार प्रसार से ही हमारा हिंदुस्तान है, हम हमेशा राम के चरणों में स्वयं तो नतमस्तक है ही, और ये जो देखने आते हैं रामलीला का मंचन उनको भी इस बात के लिए बार बार भूरि भूरि प्रशंसा का पात्र मानते हैं, जो इस रामलीला कमेटी में पहुंच करके भगवान राम के लीलाओं का मंचन उत्साह के साथ उल्लास पूर्वक मनाते हैं, किसी प्रकार के आपस में कोई विरोध नहीं, कोई विमनस नहीं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर सित भय गए सब शोका, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, मिलही स्वधर्म विरत श्रुति नीति। बोल सियावर राम चंद्र जी की, सबको भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें, इस रामलीला के माध्यम से मंचन को देख करके अपने जीवन में राम की पूजा करना सीखें, उनका सम्मान करें, अपने घर घर में राम पैदा करें, बच्चों के रूप में और बेटियों के रूप में सीता को हमेशा हमेशा पैदा करने की उत्पन्न करने की क्षमता रखें, अपने बच्चों को राम बनाएं और बेटियों को सीता बनाएं। मेरा इस मंच के माध्यम से यही जनता से अपील है, सब सुखी हो, सब संपन्न हो, कहीं कोई रोगी ना हो, सब निरोगी हो। बोल सियावर राम चंद्र। देखिए जमुना पार की सबसे बड़ी रामलीला होती है, यहाँ हजारों लोगों का आगमन होता है, यहाँ बड़ा एंजॉय करती है जनता यहाँ की, और ये भाईचारे का प्रतीक है। और मैं तो सबसे बड़ा सैल्यूट करता हूँ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सदस्य चेयरमैन, इतनी शानदार मैनेजमेंट को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ, इस बहाने लोगों का एंजॉयमेंट होता है, आसपास की चीजें देखिए सराउंडिंग में मेला है सब कुछ है, इसी बहाने कुछ साथी ऐसे भी मिल जाते हैं जो साल भर में 6 महीने में एक बार मिलते हैं। देखो बहुत बढ़िया, मैंने स्टेज पर भी बोला है कि इससे बढ़िया रामलीला जमुना पार में मेरे ख्याल से नहीं होगी, इससे अच्छा मंचन नहीं हो रहा, और सारे ही पदाधिकारी बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, और
ईमानदार लोग है, सबसे बड़ी बात ये। और हर साल मैं देखता आ रहा हूँ कि इस मंचन को आकार दिया जा रहा है और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इस बात से ऐसा हो सका है कि रामलीला नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि उसी टाइम हमारे नवरात्रों के फास्ट होते हैं, जल्दी निकल जाना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेले का स्वरूप दिया गया है और सराउंडिंग में जो चीजें दी गई हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, झूले वगैरह, बहुत ही बढ़िया है। इससे बढ़िया रामलीला मैंने नहीं देखी। बचपन में कभी देखते थे लेकिन वो बचपन था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं ना, इतना सब कुछ सिस्टम से है, तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं समझता हूँ कि रात दिन ये किसी तरह से तरक्की करते रहे, विष्णु अवतार रामलीला इस तरह से बढ़ती रहे, चलती रहे। हमारे धर्म हमारे समाज के लिए ऐसी रामलीला होना चाहिए। हमारा धर्म जो है हिंदू धर्म, ये धर्म जो है, ये धर्म इस तरह का धर्म है शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा धर्म हो। और ये हर चीज, हर एक करेक्टर जो है ना, चाहे वो जनक जी हो, रामचंद्र जी हो, लक्ष्मण जी हो, सीता जी हो, कौशल्या हो, हनुमान जी हो, हर करेक्टर का अपना अपना महत्व है। और इसको एक अच्छे ढंग से दर्शाया गया, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म से बढ़िया धर्म कोई नहीं है। आज विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो शिखर पे जा रहे हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली की दूसरी टीम दो नंबर की रामलीला है। हमारे जमुना पार में सबसे बड़ी रामलीला करके दी जाती है, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्होंने बड़ा सम्मान दिया है, हर किसी को आने वाले सबका सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्या टाइम्स के संस्थापक और संपादक, दर्शकों को बताना चाहता हूं, मुझे अभी पता लगा है कि आज उनका जन्मदिन है, जो कि समय हमारे मास्टर के दिवाकर पांडे जी का ट्रिब्यूट ले रहे हैं। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी इसी कड़ी में, जैसे आपने अभी देखा कि रावण ने विभीषण जी को अपने दरबार से निकाल दिया, बहुत बहुत रामदल में शामिल हो गए, तो इसके लिए उनके हाथ में शुभकामनाएं, विष्णु अवतार रामलीला का मौका मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली विजयदशमी के पर्व में हमने अपने लिए विशेष, हमने अपने अपनी रामलीला के माध्यम से विशेष आयोजन रखा हुआ है, जो कि इसी पंडाल में, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के पंडाल में, तीन पुतलों के साथ चौथे पुतले का दहन भी होना है, जो सनातन विरोधियों के लिए करारा जवाब होगा। तीन पुतले अभी आप देखेंगे हमारे दशहरा मैदान में लग के तैयार हो गए हैं, तो आप सभी लोग परिवार के साथ विजयदशमी के पर्व को मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।